आवासीय भवनों के लिए 31,201 रुपए से 36,527 रुपए प्रति वर्ग मीटर मुआवजा जारी किया गया है। व्यवसायिक भवनों के लिए 39,182 रुपए से 46,099 रुपए प्रति वर्ग मीटर मुआवजा। ध्वस्त किए गए घरों के लिए 31,000 से 36,000 रुपए वर्ग किलोमीटर के दर से यहां मुआवजा दिया जाएगा। तो जोशीमठ में जिस तरीके से दरारें आई थी, इसके बाद जोशीमठ आपदा प्रभावितों के लिए मुआवजा नीति यहां जारी कर दी गई है। इस नीति के तहत आवासीय भवनों के लिए 31,201 रुपए से 36,527 रुपए प्रति वर्ग मीटर मुआवजा दिया जाएगा। वहीं व्यवसायिक भवनों की अगर बात की जाए तो उनके लिए 39,182 रुपए से 46,099 रुपए प्रति वर्ग मीटर मुआवजा जारी यहां पर किया गया है। ध्वस्त किए गए घरों के लिए 31,000 से 36,000 रुपए ये मुआवजा यहां पर जारी किया गया है। जोशीमठ में प्रभावितों के लिए यह राहत भरी खबर, मुआवजा नीति यहां जारी कर दी गई है। आवासीय भवनों के लिए, व्यवसायिक भवनों के लिए, ध्वस्त किए गए घरों के लिए अलग अलग नीति यहां पर जारी कर दी गई है। जोशीमठ में लगातार दरारें जो बढ़ती जा रही थी, इससे लोगों में एक डर, दहशत, अपने अपने घरों को लोगों को खाली करना पड़ा। कई घरों का वहां ध्वस्तीकरण किया गया, व्यवसायिक भवनों को भी ध्वस्तीकरण वहां पर करना पड़ा। अपने घर को छोड़ करके किसी दूसरी जगह लोग शिफ्ट हुए हैं। ऐसे में मुआवजे की मांग लगातार की जा रही थी और यहाँ पर अब आपदा प्रभावितों के लिए मुआवजा नीति जारी कर दी गई है। और हमारे सहयोगी रवि केंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, आवासीय भवनों के लिए मुआवजा नीति जारी की जा रही है, इस पे और क्या जानकारी मिल रही है आपको? बिल्कुल, देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो आवासीय भवन है और जो व्यवसायिक भवन है, इन दोनों का मुआवजा तय कर दिया गया है। क्योंकि आवासीय भवनों की बात करें तो जिस तरीके से 31,000 रुपए से लेकर 36,000 तक प्रति वर्ग किलोमीटर मुआवजा दिया जाएगा, और व्यवसायिक भवनों की अगर बात करें तो 39,000 रुपए से लेकर 46,000 प्रति वर्ग किलोमीटर तक जो ये मुआवजा है, इसकी राशि तय की गई है। लेकिन इसका तो खास बात यह है क्योंकि वहां पर जोशियों की बात की जाए तो लोगों की जो भूमि है उसके मुआवजे की भी उनको जरूरत है, लेकिन भूमि के मुआवजे पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। और ये माना जा रहा है कि जो अगली कैबिनेट होगी उसमें भूमि के मुआवजे पर निर्णय लिया जाना है। लेकिन फिलहाल जो आवासीय भवन है और जो व्यवसायिक भवन है उनका जो मुआवजा है उसको तय कर दिया गया है। और इसके अलावा जो भवन ऐसे थे जो बहुत ज्यादा जर्जर ध्वस्त किया गया, 31,000 प्रति वर्ग किलोमीटर की दर से उनको मुआवजा दिया गया। ठीक है रवि, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 11 आईपीएस अफसरों के तबादले यहां कर दिए गए हैं। चंद्रकांत मीणा बने हैं वाराणसी के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, वहीं सूरज कुमार राय को पुलिस आयुक्त बनाया गया है। अभिषेक भारती को बनाया गया प्रयागराज के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, वहीं मृगांक शेखर पाठक बने हैं कानपुर नगर के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त। शक्ति मोहन अवस्थी को गौतम बुद्ध नगर के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त की जिम्मेदारी यहां पर सौंपी गई है। तो 11 आईपीएस अफसरों के तबादले यहां पर हुए हैं। ये बड़ा फेरबदल देखने को मिला है यूपी में, बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। चंद्रकांत मीणा वाराणसी के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त बनाए गए हैं। सूरज कुमार यादव को आगरा का अतिरिक्त पुलिस आयुक्त का कार्यभार यहां पर सौंपा गया है। वहीं अभिषेक भारती प्रयागराज के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। मृगांक शेखर पाठक कानपुर नगर के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त बनाए गए हैं। वहीं अगर शक्ति मोहन अवस्थी की बात की जाए तो उन्हें गौतम बुद्ध नगर के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त की जिम्मेदारी यहां पर सौंपी गई है। तो ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल एक बार फिर से यूपी में देखने को मिला है। इससे पहले भी 24 आईएएस के तबादले देखे गए थे, लेकिन अब यहां पर 11 आईपीएस अफसर के तबादले एक बार फिर से देखने को मिले हैं। खबर अब बुलंदशहर से है। बुलंदशहर में शादी में जमकर बवाल हुआ है। बताया जा रहा है कि डीजे और डांस को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद बीच बचाव करने पहुंचे एक शख्स को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। सूचना पाकर एसपी सिटी के साथ भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया। घटना बुलंदशहर कोतवाली इलाके के डीएम रोड पर मौजूद एक मैरिज हॉल की बताई जा रही है, जहां पर दो पक्षों में पहले विवाद हो जाता है और विवाद इतना बढ़ जाता है कि मारपीट होने लगती है आपस में। लेकिन इसके बीच में एक शख्स जब विवाद को सुलझाने के लिए पहुंचता है, मामले को शांत कराने के लिए पहुंचता है, तो दोनों पक्षों की तरफ से उसे पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया है। इसकी सूचना फौरन पुलिस को दी जाती है। उसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची, भारी संख्या में पुलिस फोर्स वहां पर पहुंचती है। पुलिस ने 3 लोगों को इस पूरे मामले में हिरासत में लिया है। ये पूरी घटना बुलंदशहर कोतवाली इलाके के डीएम रोड पर मौजूद एक मैरिज हॉल की बताई जा रही है। शादी समारोह का माहौल था, लेकिन वहां डीजे को लेकर डांस को लेकर के बवाल हो जाता है दो पक्षों में। बवाल इतना बढ़ जाता है कि एक शख्स की यहां पर मौत हो जाती है, पीट पीट कर मौत के घाट उस शख्स को उतार दिया गया। दरअसल
डीजे पर डांस को लेकर के दो पक्षों में विवाद देखा गया। पहले कहा सुनी होती है दोनों पक्षों के बीच, इसके बाद इतना ये मामला बढ़ जाता है कि मारपीट वहां देखने को मिल जाती है। लेकिन इन सबके बीच एक व्यक्ति जो इस पूरे मामले को शांत कराने के लिए वहां पहुंचता है, दोनों पक्षों की तरफ से उस व्यक्ति की पीट पीट कर यहाँ पर मौत के घाट उतार दिया गया। ऐसे में सूचना जब पुलिस को दी गई, मौके पर पुलिस पहुंचती है, भारी संख्या में पुलिस वहां पर पहुंची, तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है। बुलंद शहर से ये पूरी घटना सामने आई है। शादी में जमकर बवाल यहां देखा गया दो पक्षों की तरफ से, डीजे पर डांस को लेकर के हुआ था यहां पर इस तरीके से बवाल। अनुभव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुभव, डीजे पर डांस को लेकर के देखा जा रहा है दो पक्षों में जमकर बवाल, मामला इतना बढ़ गया कि एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया गया। जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि मामला कोतवाली नगर के एक मैरिज होम का है, जहां पर शादी हो रही थी और शादी में जो डीजे है वो बज रहा था, जिसको लेकर दो पक्षों में आपस में मारपीट शुरू हो गई। जिसको देखते हुए लड़की पक्ष के 45 वर्षीय अजय नाम के जो व्यक्ति हैं, जिनके पड़ोसी बताए जा रहे हैं, वो बीच बचाव कराने पहुंचे, तो जो दबंग आपस में लड़ाई कर रहे थे, उन्होंने भी नहीं बख्शा, उन्हें भी वहां पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दूं कि ज्यादा हालत गंभीर होते हुए जब उन्हें ले जाया गया अस्पताल, तो वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद इनके पुत्र की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए फिलहाल जो तीन आरोपी हैं उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दिया। और साथ ही अब पुलिस जो मैरिज होम की सीसीटीवी फुटेज है उनको खंगाल रही है और जल्द ही कोई बड़ी कार्रवाई करने की बात कर रही है। ठीक है अनुभव, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। और अब खबर बहराइच से है। बारातियों से भरी बस पलट गई है, ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराकर ये पोरी की बस यह पलट जाती है। बस में सवार दूल्हा समेत 13 बाराती यहां घायल बताए जा रहे हैं। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। कोतवाली देहात इलाके के टिकोरा मोड़ की ये पूरी घटना, जहाँ एक बस पलट जाती है और इस बस में बाराती सवार होती है, ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा करके ये बस यहाँ पलट गई है। बस में ये बताया जा रहा है कि तकरीबन दूल्हा समेत 13 लोग जो की घायल हो चुके हैं, इलाज के लिए उन्हें भर्ती यहाँ करा दिया गया अस्पताल में। बारातियों से भरी ये बस होती है जो पलट गई, दरअसल ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर हो जाती है, इसके बाद यहाँ ये बस पलट जाती है, अंदर बाराती इसमें सवार होते हैं, दूल्हे समेत 13 लोग यहाँ घायल बताए जा रहे हैं। सभी को इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया। कोतवाली देहात इलाके के टिकोरा मोड़ की ये पूरी घटना, तस्वीरें भी सामने आई है। और अब बड़ी खबर प्रयागराज से है। कानपुर देहात में मां बेटी की मौत के मामला, घटना के न्यायिक जांच के आदेश दिए जाने की याचिका पर सुनवाई होगी, ये बड़ी खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में आज सुनवाई होने जा रही है। याचिका में हाईकोर्ट से जांच की मॉनिटरिंग करने की भी अपील यहां की गई है। तो कानपुर देहात में मां बेटी की मौत मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर, घटना के न्यायिक जांच के आदेश दिए जाने की याचिका पर आज सुनवाई होगी। प्रयागराज से बड़ी खबर, महंत नरेंद्र गिरी की खुदकुशी का मामला है। आनंद गिरी, संदीप और आगा तिवारी पर आज तय होने वाले हैं आरोप। तीनों आरोपियों पर सेशन कोर्ट आज आरोप तय करेगा। आरोप तय होने के बाद मुकदमे का ट्रायल होना शुरू हो गया। देखिए, आनंद गिरी, संदीप, आगा तिवारी पर आज आरोप तय होने वाले हैं। तीनों ही आरोपियों पर सेशन कोर्ट आज आरोप तय करने वाला है। आरोप तय होने के बाद मुकदमे का ट्रायल शुरू हो जाएगा। तो महंत नरेंद्र गिरी की खुदकुशी का ये पूरा मामला, जिसमें ये तीन मुख्य आरोपी है। मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोइन, महंत नरेंद्र गिरी की खुदकुशी मामले में बड़ा दिन है आज। देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की खुदकुशी मामले में आज तीनों आरोपी हैं, उन पर आरोप तय किए जाने की तारीख है। हालांकि पिछली तारीख में जो एक आरोपी राजेंद्र प्रसाद तिवारी थे, उन्होंने कोर्ट में डिस्चार्ज एप्लीकेशन दाखिल की थी। आज कोर्ट को सबसे पहले उसका निपटारा करना होगा, लेकिन बहुत मुमकिन है कि जो बाकी दो अन्य आरोपी हैं उनकी तरफ से ब्याज डिस्चार्ज की एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है। और अगर आज डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल होती है तो फिर आरोपियों पर आरोप तय नहीं होंगे। वैसे ही कानूनी पेचीदगियों के चलते ये पूरा मामला पिछले कई महीनों से लटका हुआ है। कई बार आरोपियों की तरफ से तारीख ली गई, तारीख पे तारीख लगती जा रही है, लेकिन आरोप तय नहीं हो पा रहे हैं। तो अब आज दोपहर के वक्त जब सुनवाई होगी, तब देखना होगा कि आरोपियों की तरफ से अपने बचाव के लिए क्या हथकंडा अपनाया जाता है, क्या कानूनी रेमेडी उनको मिलती है या नहीं मिलती है, या फिर आज आरोपियों पर चार्ज फ्रेम हो जाएगा और मुकदमे का ट्रायल शुरू होने का रास्ता साफ हो सकेगा। अब तक इस पूरे मामले में अगर आरोपियों की बात की जाए, वो क्या कुछ अपनी तरफ से पक्ष रख रखे हैं मोइन? देखिए, इस पूरे मामले की जांच जो है वो सीबीआई ने की थी। सीबीआई ने जांच पूरी करने के बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ, चाहे वो आनंद गिरी हो, आदित्य प्रसाद तिवारी हो, संदीप तिवारी हो, तीनों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।
चार्ज फ्रेम अभी नहीं हो सका है। बार बार जो अपीलों आरोपी हैं वो अलग अलग वजहों से कोर्ट से तारीख ले लेते हैं और उसी की वजह से जो है अभी तक चार्ज फ्रेम नहीं हो सका है। तो आज देखना ये होगा कि जो दो बाकी आरोपी हैं आनंद गिरी और संदीप तिवारी, उनकी तरफ से डिस्चार्ज एप्लीकेशन दाखिल की जाती है या नहीं, और अगर दाखिल नहीं की जाती है तो बहुत मुमकिन है कि आज तीनों आरोपियों पर चार्ज फ्रेम हो सकेंगे और उसके बाद जो मुकदमे का ट्रायल है वो शुरू हो सकेगा। ठीक है मोइन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।